का वो रास्ता भी नजर आएगा। और जिस तरह से राहुल के बारे में कहा है कि इनका भतीजा नहीं नौजवान है, और युवा कांग्रेस ने इसको अपना नुमाइंदा बना के आपके बीच में भेजा, और ये भी सच है कि राहुल गांधी जी ने उन तमाम यूथ की उन टिकटों को स्क्रूटनाइज किया है, हर सीट पर किसको टिकट मिल रही है उसके बारे में जानकारी ली है, और उसको जानकारी को जब भली बात हुए आश्वस्त हो गए तब जाके उसकी टिकट अनाउंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो यहां पर बुजुर्ग आए हैं, जो माताएं बहनें आई हैं, जो नौजवान आए हैं, वो कम से कम इस नौजवान को काम करने का मौका दें। वो उनकी आस थी, बड़े दिनों से लगाए बैठे थे कि इस क्षेत्र में काम करने को मिले। वो आज भी अपने आप को इस इलाके का कहलाते हैं, वो विधायक उस क्षेत्र के कहलाते हैं, लेकिन ये मत भूलना जब राहुल शर्मा यहां से आप जिता के भेजोगे तो इसकी पहचान यहां से बनेगी, आपसे बनेगी, आपकी ताकत से बनेगी, आपकी तारीफ से बनेगी। तो स्वागत ही किसी का भतीजा क्यों ना रहे, लेकिन ये कहलाएगा आपका, आपके इशारों पर काम करेगा, क्योंकि आपका उंगली का इशारा जिसका आशीर्वाद मिलेगा तो ये आपके बीच में खड़ा होने के लायक बन सकेगा, आपकी उन उम्मीदों पर खड़ा होने के लायक बन सकेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अपने उन रास्तों पर चलने के लिए इसको मजबूती देंगे, इसको ताकत देंगे, इसको अपना आशीर्वाद देंगे। इसका निशान हाथ का पंजा है, वो बात दूसरी है कि मैं उस पार्टी का एक कारकुन हूं, कार्यकर्ता हूं, मेरा ये फर्ज बनता है। मैं आपसे अपील करूं कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अपील करूंगा कि मेरे इस छोटे भाई को आप कामयाब करने का अपना साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।